और मैं तो इसलिए पहले भी कहती हूँ कि इतना ये कमज़ोर बुज़दिल और क्या कहना चाहिए, ऐसा आदमी इमरान खान के जब इससे खुद चीज़ें हैंडल नहीं होती क्योंकि नालायक है, कमज़ोर है, साजिश से आया हुआ है और यहाँ से ज़रा खाली है, तो वो जब अपने से मामलात मैनेज नहीं होते तो वो इदारों को आगे झोंक देता है। तो इदारों के अगर कंधे पे आप रख के बंदूक चलाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि इदारे भी बोल उठेंगे कि हमारा अपना अपना मुकदमा खुद लड़ो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हमें इस्तेमाल ना करो। तो ये वो वक्त अब आ गया। जिस तरह सियासी माहौल गर्म हो गया है और जो हालात पे चल रहे हैं, आपने समझ ली कि अब डायलॉग वाली बात खत्म हो गई है? क्योंकि हमेशा माजी में भी देखने में आता रहा कि सियासतदान डायलॉग के ऊपर बिलीव करते हैं, तो ये तसादम की तरफ नहीं बढ़ेंगे आगे? देखें, डायलॉग किसी ऐसी कुव्वत से होता है जिसके अंदर कुछ कुछ सेम्बलेंस ऑफ ओरिजिनलिटी हो, कोई कानून हो, इंसाफ हो। मैं ऐसे इंसान से या ऐसी हुकूमत से या जो उस हुकूमत के पीछे खड़े हैं जो कि ना आईन में बिलीव करते हैं ना कानून में बिलीव करते हैं, लोगों की वोट की ताकत को पाँव के नीचे रोंद के आए हैं, वोट लोगों ने किसी को डाला, डब्बे में से निकला किसी और के नाम और फिर RTS डाउन करके जो कर दिया, ऐसी हुकूमत को तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आप डायलॉग की बात करते हैं, ऐसी हुकूमत को तो मैं आपने मेरे मुँह से आज तक नहीं सुना होगा वज़ीर आज़म, मैं उसको ना वज़ीर आज़म मानती हूँ, ना मैं इस जाली हुकूमत को मानती हूँ, ना मैं इस किसी किस्म के सेटअप को मानती हूँ। इस सेटअप को हमें पहले दिन से ललकारना चाहिए था, इसको एक्सपोज करना चाहिए था। हाउ एवर देर आए दुरुस्त आए। अच्छा मैडम, मैडम ये बता दें, मैडम ये बताएं कि मैडम ये बताएं, ये बताएं कि ये जो हुकूमत आपके खिलाफ अब निकलेंगे मैदान के अंदर, आप समझती हैं कि हुकूमत अब घर चली जाएगी? आप नून लीग में इतनी पावर है कि हुकूमत को जो है वो पछाड़ देगी? नून लीग में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पावर है, तभी तो आप देख रहे हैं ना कि जब मियाँ साहब एक तकरीर करते हैं तो उसके बाद पूरा दिन 10 लोग आके जो है वो उनकी तकरीर का असर जायल करने की एक नाकाम कोशिश करते हैं, वो लॉन्च कर दिए जाते हैं, उसके बाद कुछ और लोगों को बिठा दिया जाता है जिसको कहा ये एजेंडा मिला होता है कि मियाँ साहब की तकरीर को गलत अंदाज से पेश करो, ये करो वो करो, तो ये तो उसी से जाहिर है। उनसे ज्यादा उनकी जो उनसे ज्यादा जो क्लियरर बात है वो मियां साहब ने आज खुद कर दी अपनी स्पीच पे, लाइव गई है, पूरी दुनिया ने सुनी है। और मियाँ साहब ये समझते हैं कि हम सब जमातों को इकट्ठा होके चलना है और चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो JUIF हो, चाहे वो हम हो, मुस्लिम लीग नून हो, या वो ANP हो, या वो कोई भी जमात हो, छोटी जमातें भी, हम सबको इकट्ठा चलना है, हम सब की यूनिटी होनी चाहिए और उसको इंश्योर मियाँ साहब ने खुद किया। थैंक यू। आप फैसला को राउंड खेलने जा रही है तो आपके जेब में क्या है कि ये हुकूमत कितने अरसे में गिर जाएगी या इस हुकूमत के पास कितना एक टाइम आप समझती हैं अब रह गया? जो जिस तरह से उनके रिएक्शन आ रहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि वो शायद जो APC ने पूरा अपना टाइम फ्रेम दिया हुआ है और जो टाइम टेबल दिया हुआ है ये तो उससे भी पहले इंशाल्लाह लुढ़क जाएगी। आप दो बड़ी शख्सियत के बीच में बैठे हैं, हमसे बात कर रही हैं, जावेद हाजमी साहब हैं कि बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जावेद हाजमी साहब के हवाले से आजकल जिस पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगता है उससे बड़ा है मुहिब्बे वतन कोई नहीं, और आजकल जिस पे मुहिब्बे वतनी का हुब्बुल वतनी का जिसको सर्टिफिकेट मिलता है ना उसके ऊपर उसको शक की निगाह से देखा जाना चाहिए। मियां साहब के लबो लहजे को लेकर आजकल तशवीश दी जा रही है अल्ताफ हुसैन के केस के हवाले से कि आजकल वो भी लंदन से खिताब कर रहे हैं, माजी में अल्ताफ हुसैन भी लंदन से खिताब किया करते थे, तो आप ये समझती हैं कि ये तशवीश भी दुरुस्त है और ये कहा जा रहा है कि मियां साहब बंद गली में चले जा रहे हैं? मियां साहब का किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता, मियाँ साहब को आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, और ये जो हुक्मरान आप जाली बैठे हुए हैं इनसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मियाँ साहब माशाल्लाह इस मुल्क के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मियाँ साहब की जो जमात है वो एक शहर की जमात नहीं है, मियाँ साहब की जो जमात है मुस्लिम लीग नून वो पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात है। तो मियाँ साहब जो बात करते हैं उसमें वजन है, मियाँ साहब की आर्ग्यूमेंट्स का जवाब दें
मियां साहब की बातों को घुमा फिरा के ना बयान करें। मियां साहब ने जो बातें की उनका जवाब दें, या तो कहें वो गलत कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है और ये बातें होनी चाहिए थी, यही बात आवाम सुनना चाहती है। और आप उसको मियां साहब को आप किसी से तशबीह नहीं दे सकते। मियां साहब मोहम्मद नवाज शरीफ है, पाकिस्तान में पहला शख्स है जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना और अब इंशाल्लाह ताला 4थी दफ़ा भी बनेगा। तो मियां साहब की अपनी जगह है, मियां साहब किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। जो APC ने एजेंडा दिया है उसमें जो आखिरी लॉन्ग मार्च है वो तो जनवरी में इस्लामाबाद ही जाएगा, तो फिर वो इंशाल्लाह ताला वो अब जनवरी में होता है, दिसंबर में होता है, या उससे भी जल्दी हो जाता है, मैं ये नहीं जानती, लेकिन वो होगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में उससे पहले मामला तमाम। मैडम ये बताइएगा कि कल तक मरियम नवाज का नारा था जरदारी इमरान भाई भाई, आज जरदारी नवाज भाई भाई का नारा लगाया जा सकता है? बात ये है कि अगर कोई हम अभी भी पॉलिटिकल हरीफ हैं और एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे। हम पाकिस्तान के मामले में, इस जाली हुकूमत को हटाने के मामले में, पाकिस्तान को जो हॉस्टेज बनाया हुआ है उससे छुड़ाने के मामले में हम सब इकट्ठे हैं। और जब हम अपने इलेक्शंस में जाएंगे, मैदान लगेगा, तो तब हम एक दूसरे के हरीफ हैं, लेकिन एक लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। वो पॉलिटिकल हरीफ जरूर है, दुश्मन नहीं है। बता देना। नहीं, इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छा इंकशाफ है कि नवाज शरीफ ने मिसाइल उठा के साइंटिस्ट को दिया कि मुझे ऐसा मिसाइल पाकिस्तान के लिए बना के दो। उसमें इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छी बात है, उससे तो नवाज शरीफ का ये हुब्बुल वतनी जाहिर होती है कि नवाज शरीफ बेशक अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन जहां पाकिस्तान की डिफेंस की बात आती है, जहां पाकिस्तान की सालमियत की बात आती है, नवाज शरीफ अपने मुल्क के लिए नाकाबिले तस्खीर उसको बनाएगा इंशाल्लाह। चाहे वो मिसाइल हो या वो एटॉमिक एक्सप्लोजन हो, नवाज शरीफ ने हर जगह साबित किया है। बहत्तर साल में यही होता है कि इमरान खान जैसी कठपुतलियों से तो कोई बात नहीं करता, उनके पीछे जो डोरिया हिलाने वाले लोग उनसे बात करते हैं, लेकिन एक फैसला मियां साहब ने कर लिया है कि किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर अपनी जंग लड़ेंगे तो आवाम के बलबूते पे लड़ेंगे, अपने असूलों पे लड़ेंगे, और दैट्स इट। जी हाँ जी, एक सेकेंड, फ्री अभी तो मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मेरे पे दहशत गर्दी का मुकदमा एक बनाया हुआ है, FIR कटी हुई है, जिसपे पत्थर भी मैंने ही खाए थे, शीशे भी मेरे ही टूटे थे, अटैक भी मेरी गाड़ी पे हुआ था, जिसको कहा गया कि लेजर गन से अटैक हुआ था। तो दहशत गर्दी का मुकदमा मैंने तो उसमें भी बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराई। आपने मुझे गिरफ्तार करना है, सबके सामने करें, मैं बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराऊँ।